गाइज वेलकम बैक टू माई चैनल ईशा मेहरा दिस साइड। आज आपकी ईशा लेकर आई है 21 डेज चैलेंज। इस चैलेंज को कौन कौन एक्सेप्ट करता है, अगर आप इन 21 डेज में मेरे अकॉर्डिंग एक्सरसाइज करेंगे तो डेफिनेटली आपकी थाइज आपके हिप्स बहुत अच्छी शेप में आ जाएंगे और जितना भी एक्स्ट्रा फैट है, बल्जीनेस है, वो सब बिल्कुल दूर हो जाएगा। थाई वर्कआउट करने से एक और फायदा क्या होता है, आपकी थाइस टोन होती होती है, साथ में जो आपका लोअर टमी होता है ना, वो भी बिल्कुल सही हो जाता है, मतलब उसका फैट भी खत्म हो जाता है। आप ये खुद नोटिस करना कि उसका सेकेंडरी मसल हमारे तमी पर यानी उस पे बहुत ज्यादा अच्छा इफेक्ट पड़ता है। तो चलिए बिना किसी देरी के फटाफट से स्टार्ट करते हैं और अपनी लेग्स को सेक्सी बनाते हैं। इसके साथ साथ अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आ रहा है तो प्लीज लाइक कर देना, शेयर कर देना और इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करना बिल्कुल भी मत भूलना। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है @ishamehra। फर्स्ट एक्सरसाइज है स्क्वाट, ठीक है। इसके लिए आपको इस तरीके से पोजीशन में जाना है, स्क्वाट को लेग्स को आपने स्लाइटली सा टर्न करना है, देन अप होना है, अगेन आपको स्क्वाट पोजीशन में जाना है। जब आप इस तरीके से अपनी लेग्स को टर्न करते हैं तो इससे आपकी लेग्स को बहुत अच्छा शेप मिलता है, आपके थाई के बीच में गैप भी मेंटेन होता है, आपके ग्लूट पे भी बहुत अच्छा इसका इफेक्ट पड़ता है। अगर आप सिर्फ स्क्वाट करते रहे 2-3 महीने तक तो आपके हिप्स बहुत सुंदर शेप के हो जाएंगे। जब भी आप स्क्वाट करते हैं तो जब आप ऊपर आएंगे तो आपने अपने नीज का लॉक प्रॉपर नहीं खोलना है, स्लाइटली सा बेंड रखना है, देन वापस आपने नीचे जाना है, ठीक है। 20 टाइम्स आपको उसको परफॉर्म करना है और इसे करने हैं 4 सेट। 4 सेट आप लोग बहुत पूछते हैं कमेंट करके, मतलब आपको 80 बार इसको रिपीट करना है। रिलैक्स, यहाँ पे आपका फर्स्ट स्क्वाट कंप्लीट होता है। इसी में आप एक और वेरिएशन कर सकते हैं जो आपको करनी है, ठीक है। आपको जंप करना है, स्क्वाट करना है, ठीक है, कैसे देखते जाइए। राइट, ठीक है, ये हमारा हो गया जंपिंग स्क्वाट। अब हम करेंगे वेट लेके स्क्वाट, कैसे करना है। आपके पास कोई भी वाटर बॉटल हो आप उसको ले सकते हैं, 2 लीटर की, 1 लीटर की उसको ले सकते हैं, या फिर डंबल है तो आप उसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अब आपने क्या करना है, डंबल को ले लेना है इस तरीके से, आपने ऊपर से होल्ड करना है, या फिर वाटर बॉटल है तो उसका भी आप नेक इस तरीके से होल्ड कर सकते हैं। डन, ठीक है। यहाँ पे आपके वेटेड स्क्वाट कंप्लीट होते हैं। अगर आप वेट स्क्वाट करते हैं तो उसका बहुत अच्छा बेनिफिट ये होता है कि जितना वेट लेके कोई भी एक्सरसाइज करते हैं आपकी मसल बहुत जल्दी टोन होना स्टार्ट हो जाती है। इसी के साथ बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ। नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए आप इस तरीके से अपने पैरों को, फीट को ओपन कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद में आपने डंबल को या वाटर बॉटल को होल्ड करना है इस तरीके से, ठीक है, फिंगर से। पहले हमने कैसे होल्ड किया था, ऐसे। अब हम अपनी हथेली को ऊपर की साइड रखेंगे, अपनी फिंगर्स को नीचे की तरफ सपोर्ट रखेंगे। रिलैक्स, यहाँ पे आपकी वाली एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। अब बारी आती है लंजेस की, ठीक है। लंजेस के लिए आपने क्या करना है, इस तरीके से अपनी 1 लेग को आपने फ्रंट पे रखना है, अदर लेग को बैक साइड लेके जाना है और आपने वहीं बेंड हो जाना है।
सेम अब हम करेंगे अदर लेग से, उसको फ्रंट पे रखेंगे। रिलैक्स, यहाँ पर आपकी ये एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। गाइस अब हम करेंगे वेटेड लंजेस, मतलब वेट लेके। यहाँ पे मैंने डंबल लिया है, आप वाटर बॉटल का इस्तेमाल ज़रूर करें। जैसे मैंने आपको बताया था, कोई भी एक्सरसाइज वेट के साथ करते हैं तो उससे आपकी मसल बहुत जल्दी टोन होती है, ठीक है। तो चलिए अब इसको परफॉर्म करते हैं। वाटर बॉटल को भी सेम आपने इस तरीके से होल्ड करना है। रिलैक्स, यहाँ पर आपकी ये वाली एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए आपको स्क्वाट पोजीशन में आ जाना है। आपने शोल्डर जितना गैप अपने पैरों के बीच में रखना होता है स्क्वाट करते टाइम, ठीक है। देन साइड किक, ट्वेंटी टाइम्स, फोर सेट्स। रिलैक्स, यहाँ पे आपकी सारी एक्सरसाइजेस कंप्लीट होती हैं। गाइस आई होप कि आपको मेरा ये बेहतरीन सा लेग वर्कआउट बहुत पसंद आया होगा, तो प्लीज़ इसे करें। और 21 डेज बाद प्लीज़ इस चैलेंज को एक्सेप्ट करने के बाद कमेंट बॉक्स में अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करें कि आपका क्या रहा है थाई में डिफरेंस, ठीक है। और साथ में आप मुझे अपनी वीडियोज़ बनाकर टैग भी कर सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पर। ऐसी हमेशा आपके लिए कुछ नया और बेहतर लाती रहूँगी, आपकी ज़िंदगी को खुशनुमा बनाती रहूँगी। और एक बात बोलना चाहूँगी कि गर्मी का मौसम है, प्लीज़ आप अपने जितने भी पशु पक्षी हैं, जानवर हैं, उनको पानी ज़रूर दें, खाना ज़रूर दें, है ना, क्योंकि वो भी प्यासे रह जाते हैं, उनका सहारा सिर्फ हम लोग हैं। तो बस ऐसी हंसते मुस्कुराते रहें, मेरा वीडियो का इंतज़ार करते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, स्टे हेल्दी, लव यू ऑल।